नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। लेफ्ट विंग ने देश के अलग अलग हिस्सों में बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद राजधानी दिल्ली समेत देश भर में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला। ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये विरोध, ये प्रदर्शन और ये खिलाफत है नागरिकता कानून की, जिसे कुछ दिन पहले ही भारत की संसद ने कानून बनाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये कानून रास ही नहीं आया और चल पड़े विरोध करने। पहले रविवार को दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा हुई, लेकिन हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पूरे देश में ये आग सुलग उठी। दरअसल गुरुवार को कानून के विरोध में पूरे देश में उग्र प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, कई इलाकों में हिंसा भी हुई। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी गई। करीब 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। इसके अलावा बिहार के दरभंगा और पटना में ट्रेनें रोकी गई। समस्या से बचने के लिए दिल्ली में मथुरा रोड, कालिंदी कुंज के बीच रोड नंबर 13A पर ट्रैफिक मूवमेंट को बंद किया गया। वहीं लाल किले के पास भी धारा 144 लागू कर दी गई। मैं इसको लेके दिल्ली की भी और देश की भी, आज पूरे देश के अंदर, केवल दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। और लोगों में एक किस्म का डर है, केवल मुसलमान नहीं, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर, सभी नागरिकों के अंदर ये डर है। कांग्रेस की तरफ से, पार्टी नेतृत्व की तरफ से असम की जनता के साथ उनके संघर्ष के क्षण में एकजुटता जाहिर करने के लिए यहाँ आया हूँ। द एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट इज अगेंस्ट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड असम इन पार्टिकुलर। देश भर में विरोध के चलते देश के कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। बात यूपी की करें तो पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बावजूद वहां प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। संभल में जहां उपद्रवियों ने एक सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया, वहीं राजधानी लखनऊ में पत्थरबाजी की गई। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उधर प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। लखनऊ में एसपी और कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के मुख्य गेट पर चढ़ गए। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के चलते एनसीआर में भी जाम की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले महामाया फ्लाईओवर से नोएडा गेट तक करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसके अलावा गुरुग्राम में भी कई किलोमीटर तक लंबा जाम रहा, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती रही। ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। कितनी देर से खड़े हैं आप? मेरे को आधा घंटा हो गया, मैं तो हर चौक पर फंसते फंसते आ रहा हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है भारत बंद को लेकर जो दिल्ली पुलिस ने व्यवस्था की थी बगैर किसी जानकारी, बैरिकेडिंग कर दी? इनको एक्चुअली में एसएमएस देना चाहिए था, या मेल पे, या मतलब मैसेज पे, मोबाइल पे कुछ मैसेज दे देते, सो देट की अवेयरनेस रहती। अब हम लोग तो ड्यूटी करने वाले बंदे हैं, सुबह निकले, अब जाम में फंसे हुए, 2 घंटे से जाम में फंसे हुए। 2 घंटे हो गए जी। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? गुड़गांव से यार यहाँ 11 मोड़ से। कितनी दिक्कत आ रही है अब? दिक्कत तो पैदल ही चल रहे हैं हम भी। पैदल चल रहे नहीं रही गाड़ियाँ, कहाँ खड़ी है ड्राइवर ले जा रहे, धीरे धीरे रैंक रही गाड़ियाँ, तो पैदल जा रहे हो? दिल्ली से आगे से पकड़ोगे बस? नहीं, गाड़ी अपनी पर गाड़ी चली नहीं रही। विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार की तरफ से भी विपक्ष के प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए। पूर्व राजहट पर लगे रहे, आज पूरे भारत के विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं बाहर आ गए, प्रतिष्ठित नागरिक बाहर आ गए। ये कोई किसी राजनीति से प्रेरित घटनाक्रम नहीं है। प्रजातंत्र में सरकार को सोचना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। जो ज्यादती हो रही है, दमन हो रहा है, जिस तरह से इंटरनेट बंद कर दें, हर जगह पूरे देश में धारा 144 लगा दें, वो हमारे प्रजातंत्र पर एक बहुत बड़ा कलंक है। मोदी जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने यह कदम उठाया और देश में जो हमारे हिंदू सिख भाई जो नागरिकता नहीं मिल रही थी उनको नागरिकता प्रदान की है, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोगों को नागरिकता जो प्रदान की है।
पार्टी कार्यालय में आज हमारे सिख भाई जो 28 साल पहले 30 साल पहले वहां से बेदखल हुए और अपनी इज्जत अपने धर्म की रक्षा करते हुए वो भारत आए थे, उनको आज वो पार्टी कार्यालय में आकर उन्होंने आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दिया। इस बीच कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 2003 में राज्यसभा में दिए बयान का वीडियो लेकर आए। वीडियो में मनमोहन सिंह बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर हिंसा का शिकार हुए शरणार्थियों के लिए सरकार को सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने का सुझाव दे रहे हैं। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि कानून का विरोध कितना भी हो लेकिन सरकार कानून वापस नहीं लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।